नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, Instagram चैनल पर। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो लोगों के कहने पे बनाया गया। लोग कहते हैं सर पैकेज सिस्टम के बारे में वीडियो बनाइए, या पैकेज सिस्टम क्या होता है। एक और टॉपिक होता है स्टेप बाय स्टेप, कौन सा बेहतर, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए या पैकेज सिस्टम जाना चाहिए। पहले मैं बता दूँ स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि जो भी खर्चा होता है वो आपका होता है। जब वीज़ा हो जाता है वो आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस अपने एजेंट को देते हैं, या अपने कंसल्टेंट को देते हैं, या खुद अप्लाई करते हो आपको पता चल जाता है कितना खर्चा आता है। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, सारा सारा ट्रांसपेरेंसी होती है, उसमें पता होता है कि कितने पैसे आपके लग रहे हैं, 2 लाख लग रहे हैं या 3 लाख लग रहे हैं, सारा हिसाब किताब एक एक रुपए के हिसाब आपके पास रहता है। पैकेज सिस्टम में क्या होता है कि कोई हिसाब किताब नहीं होता है। मान लीजिए आपने किसी के साथ 9 लाख का पैकेज किया है, जो कि एवरेज पैकेज चलता है, जिसमें कहता है सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद, तो कंसल्टेंट तो वही फाइल उठाएगा जिसका वीज़ा आना। जब उसको पता है वीज़ा आना है तो कोई ना उसको पैकेज सिस्टम बोल के अप्लाई करवाया जाए। जब पैकेज सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ फीस कम होती है, 2 से 3 लाख रुपए यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, वीज़ा आ जाता है, वीज़ा के जो खर्चे होते हैं इंश्योरेंस मिला के 30-40 हज़ार रुपये, वो मिला के मतलब कि 3 लाख खर्चा तक आपका वीज़ा आ जाता है। जो बाकी का 5 लाख है या 6 लाख है वो स्कैम हो जाता है, कि एजेंट ने तो बोला था कि इतने 9 लाख में लगेंगे, सारा कुछ करवा देंगे, ये तो सीधा सीधा 6 लाख है बचा लिया इसने, मतलब कि आपके साथ कहने का स्कैम होगा। आपने कोई इसमें गलती किसकी होती है, इसमें क्लाइंट की भी गलती होती, वो कंसल्टेंट ने अपनी गलती छिपा देनी, वो तो कुछ बताएगा नहीं आपको, क्योंकि आपने पैकेज सिस्टम साफ साफ बोल दिया हमने 9 लाख देने। मतलब कि ये भी ठीक है, हाँ 9 लाख आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं खर्च सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्रांसपेरेंसी वाला काम, क्योंकि हर कोई बच्चा पैकेज नहीं कर सकता है कि मेरे पास 9 लाख है, अभी मेरे पास बच्चे हैं 6.5 बैंड वाले, मैं अभी उनके अप्लाई मैंने कर रखे हैं, जब वीज़ा आएंगे मैं जरूर दिखाऊंगा। अब इनके पास पैसे नहीं है 6.5 बैंड वालों के पास कि मैं कनाडा जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, न्यूजीलैंड जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, इनके पास सिर्फ 2.5 से लेकर 4 लाख का खर्चा है। तो जब पैकेज सिस्टम पता करते हैं 9 का मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 11 लाख मांग रहा है, जब मेरे पास आया तो मैंने बताया कि आपका एग्जैक्ट जो खर्चा आएगा 2,90,000 तक खर्चा आएगा। अगर आप नॉन मेडिकल का स्टूडेंट तो आपका जो 3 से लेकर 3.5 लाख तक खर्चा आ जाएगा आपका ओवरऑल मिला के। जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो हम बताइए आपको, मैं कितनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेता हूँ, अमीरों से फ़ीस अलग है, छोटी बरादरी जो छोटी कास्ट के हैं या मिडिल क्लास के हैं, गरीब घर के हैं, गरीब घर के लड़के हैं, उनकी फ़ीस मेरी अलग रहती है। तो मैं सिचुएशन देख के मैं कंसल्टेंसी फ़ीस लेता हूँ। कोई ज़्यादा हालात ख़राब है तो और जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि जितना पैसा कमाना कमा लो, हम प्रोफाइल देख के या आदमी को देख के या उनकी सिचुएशन देख के अपने हम तो पैसे चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये इतना जो खर्चा है मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी रहता है, उसमें क्या था आपके पैसे बहुत सेव होते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो खर्चा आ रहा है 3 से 3.5 लाख रुपए, अगर आप पैकेज कर रहे हैं तो आप ऐड कर लीजिए 6 से लेकर 5 लाख रुपए आपके ऐड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको पता नहीं चल रहा है। और कुछ लोग कह रहे थे सर जब हम फीस भेजते कुछ और होती है, वहाँ से इनवॉइस आता है, जब एजेंट फीस भेजता है तो कुछ और, ऐसा क्या है। मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पर एजेंट्स का टाइप होता है, तो बात करनी तो नहीं चाहिए पर मैं करने जा रहा हूँ ओपनली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टक होते हैं, हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, सारी नहीं, 100 में से 5-6 यूनिवर्सिटी जहाँ पर एजेंट जानबूझ के अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंट्री में अप्लाई किया है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, वहाँ पे 16 लाख रुपए फ़ीस है, आपको दिखा देगा 16 लाख फ़ीस है, तो वहाँ पे क्या होता है कंसल्टेंट बोलता है कि आपकी जो 16 लाख फ़ीस है हम अपनी तरफ से खुद भर रहे हैं, बाद पे आपने मुझे दे देना। पर एक्चुअल में जब फीस जाती है वो 8 लाख रुपए, तो बाकी के 8 लाख रुपए वापस चार्ज किया जाता है। मतलब कि 16 लाख फीस आपको दिखाई गई है, उसने आपकी नज़रों में 16 लाख तो भेज दिए पर एक्चुअल में उसने 8 लाख रुपए भेजे। जैसे अभी कनाडा में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, एडमिशन्स रिजेक्ट हुए हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, बच्चे डिपोर्ट हुए, ऐसे कुछ हुआ है। तो बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा कहीं ना कहीं होता है जहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या एजेंट्स का टाइप होता है। जब आप वहाँ से फीस वापस मंगाते हैं तो पैसे हमेशा कट के आते हैं, वो पैसे कहाँ कट के आते हैं, क्या स्कैम हो रहा है इसका। तो यही है कि अगर आप पैकेज सिस्टम में जाते हैं तो यही सारे स्कैम होते हैं, यही सारे फ्रॉड होते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं आप प्रोसेस हमें बताइए, जो भी खर्चा होगा हम आपको दे देंगे, जो भी फीस बनती है हम आपको जरूर देंगे, बट हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, वो उसका प्रोसेस वही। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा आपने पैसे कमा लिए हैं, आपके पिता ने बहुत सारी शोहरत कमाई है, उड़ाना चाहते हैं, तो आप पैकेज सिस्टम पे जाएं। अगर आप कहते नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फ़ौरन जाना है, सच में हमें वीज़ा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का काम करना है, पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्टेप बाय स्टेप के साथ ही अप्लाई करें। 6 से लेकर 8-10 एजेंट से, कंसल्टेंट से मिले, जहां आपको सर्विस अच्छी मिले, जहां आपके पैसे कम लग रहे हो वहां पे आप अप्लाई करें।
अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। जितनी हो सके उतनी जल्दी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे अपडेट टॉपिक आपके पास आते रहे तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। अभी तो मैंने पैकेज सिस्टम पूरा नहीं बताया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते, नहीं तो उसके ऊपर भी बहुत सारी इंक्वायरीज आपके बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, तो नाराज नहीं करना है, मिल बैठ के प्यार से काम करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि लोगों का प्यार है, जो कुछ भी हो लोगों के प्यार की वजह से हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।